बाकी टीवी चैनल से हटके हमारी कोशिश ये होती है कि हम जब लोगों के इश्यूज हाईलाइट करें तो हम सॉल्यूशंस दें, हम डिस्प्यूट की सियासत नहीं करते और ना हम चाहते हैं कि डिस्प्यूट्स क्रिएट हो। हमने रिटायर्ड कर्नल आरफ का एक इंटरव्यू डीएचए के हवाले से रिसेंटली कंडक्ट किया, जिसमें वहां पे क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और जो नॉर्मल वाटर अवेलेबिलिटी है उसको हमने डिस्कस किया। इसलिए किया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक ह्यूमन राइट्स में ये चीज शामिल है कि इंश्योर किया जाए कि आपकी लाइफ जो है वो क्वालिटी लाइफ दैट हैज टू बी इंश्योर्ड नॉट बाय द गवर्नमेंट बट द कंसर्न्ड अथॉरिटीज आल्सो। डीएचए के हवाले से इस प्रोग्राम में काफी रिपल्स क्रिएट हुए और डीएचए की अथॉरिटीज जो है उन्होंने भी अपनी कंसर्न शो की। हमारे एंड से एक शायद कोताही रह गई जिसको मैं चाहूंगा कि हम उसको उस पर माजरत भी करते हैं कि डीएचए अथॉरिटी से हमारा राबता नहीं हो सका, हम उनका वर्जन नहीं ले सके। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि आज भी डीएचए आए और हमें बताए कि ये तमाम वाकयात क्या थे, उनका वर्जन क्या है, ताकि लोगों को क्लैरिटी के साथ वो हाउसिंग अथॉरिटी जिसपे उनका ट्रस्ट है, जिसमें हजारों लोग पूरे पाकिस्तान में रहना पसंद करते हैं, दैट्स अ प्रेफर्ड एंड चॉइस रेजिडेंस। बट इस तरह के मामला क्यों हैं, कहीं कुछ इंडिविजुअल्स ऐसा तो नहीं कर रहे कि जिससे अथॉरिटी ये पूरे की पूरी हाउसिंग अथॉरिटी जो है उसका नाम कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। हम ये चाहेंगे कि हमारे जब भी इश्यूज फर्दर भी हों, डीएचए को ऐसे लोग अपॉइंट करने चाहिए अपनी अथॉरिटीज में से जो उनके स्पोक्स पर्सन हों, जहां पे हम इजीली उनसे बात कर सकें। इन तमाम मामलात में जिस तरह कर्नल आरफ हमारे पास कोई इशू लेके आए, फर्दर कोई इशू आता है तो हम डीएचए के कंसर्न अथॉरिटी को, स्पोक्स पर्सन को सामने बिठाएं या उनसे पूछें या उनसे सेपरेट प्रोग्राम करें जहां पर डीएचए की ये खामोशी, इससे मसले हल नहीं होंगे। हम ये चाहेंगे कि डीएचए मस्ट कम फॉरवर्ड विद देयर ओन वर्जन आल्सो, और फिर ये कंप्लेंट रह जाती है कि हम उनका वर्जन नहीं ले सके। जिस तरह हमने अभी कहा कि हमारे एंड पे ये लैप्स था, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि आने वाले प्रोग्राम में जहां पे इस तरह के इश्यूज हम हाईलाइट करना चाह रहे हैं और ये जो बड़ी अथॉरिटीज हैं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये अपने लोग राइट टू इंफॉर्मेशन के बिल को जेन में रखते हुए, राइट को जेन में रखते हुए अपने लोग अपॉइंट करें ताकि हम उनका वर्जन ले सकें और उनके वर्जन को भी हाईलाइट कर सकें। थैंक यू वेरी मच।